दिल से सुनाना चाहता हूं। यहां चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहां चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। बीजेपी में वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल जी को मैं वेलकम करता हूं, और हमारे मोहम्मद आलम खान जी जो बीजेपी के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट है उनको मैं स्वागत करता हूं, और हमारे गोपाल सिटी जी अहमदाद हमारे बोरीवली के हैं उनको मैं स्वागत करता हूं। आज ये बंद बीजेपी का नहीं, आप सब सभी लोगों भाइयों का है। ये सब जितने भी हमारे कामगार लोग हैं सबका ये मंच है। आज एस्कॉर्ट बॉय, लाइट मैन, कैमरा मैन, सबको कलाकार लोग उनको छोटे नजर से देखते हैं। हम छोटे नहीं है, हम उनकी ताकत हैं। आज सलमान खान का अभी साहब ने बताया था एकता टाइगर जो हिट हुआ है, उसमें सब हमारे सभी भाई जितने भी वर्कर हैं उनका सबका सहयोग है। आज हम उनके साथ हैं तो स्टार हैं, हम उनके साथ नहीं रहेंगे वो स्टार नहीं है। मैं जब भी कभी शूटिंग में जाता हूं तो देखता हूं कि बाहर के मेकअप मैन, बाहर के लाइट मैन, अब इसके बाद में जैसे मोहन पिडवाकर जी महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रघुनाथ कुलकर्णी जी, प्रहलाद पटेल जी ने जो इस मुंबई शहर के लिए बहुत ही अच्छा उम्दा ऐसा कामगार संघ में काम करने के लिए जो व्यक्ति हमको दिए, ऐसे हम सबके चाहते खून सिंह जी, मुंबई कामगार संघ के अध्यक्ष संदीप दुबे, मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, उपस्थित टीवी जगत से जुड़े हुए सभी मेरे कामगार भाइयों का, मैं थोड़ी सी इस असंगठित कामगार के पार्श्वभूमि में आप सबको ले जाना चाहूंगा। वैसे 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में काम करती थी, उस समय पर देश भर में जो असंगठित कामगार है इनके बारे में कांग्रेस के आजादी के बाद उसको हासिल करने में कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। प्रहलाद पटेल जी के पास जब से नेतृत्व आया है वो अपने भाषण में बताएंगे वो कितने राज्य में घूमे हैं, कितने जगह पर संगठन को उन्होंने मजबूत किया है। हम अगले 25 सितंबर को दिल्ली में बहुत बड़ा एक रैली निकालने का हम लोगों ने तय किया है, निश्चित उसमें आप सब लोग भी जुड़ जाएंगे। मुंबई शहर से हम बहुत सारे लोगों को लेके जाने का वहां पर प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक बड़ी ताकत अगर हम केंद्र सरकार के सामने खड़ी करते हैं तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ेगा, और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में भी सरकार को चिंता विचार करना ही पड़ेगा। कुछ साल के पहले जब हम देखते हैं तो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मुझे नौकरी मिले तो हम सिक्योर हो जाएंगे, हमारा सिक्योरिटी होगा, इस प्रकार का एक सोच लोगों के दिलो दिमाग में था। लेकिन जैसा जैसा हमारा देश आगे बढ़ता गया और बाकी सारे क्षेत्रों में भी लोगों को न्याय मिलना प्रारंभ हुआ, और जो अभिवादन करें, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष फूलचंद जी, इस कामगार संघ के अध्यक्ष फूल सिंह जी और सभी कार्यकर्ता सुधीर जी का हार्दिक अभिनंदन करें। भारत माता की वंदे, वंदे भारत माता की। इस अभिवादन समारोह के बाद भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम सबके राष्ट्रीय नेता आदरणीय यशोदा सिन्हा जी, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय वरिष्ठ विधायक आदरणीय गोपाल सेठी जी, इस महानगर के उपमहापौर आदरणीय मोहन जी, कांग्रेस के महामंत्री आदरणीय रंजन जी, इस कार्यक्रम ने सरपंच को अधिकार दे दिया, जिसका वो दस्तखत कर देगा उसका कार्ड बन जाएगा। कार्ड बनना जरूरी इसलिए कि सबसे पहले जरूरत है सोशल सेक्टर की। यदि मैं कमाने वाला परिवार का मुखिया हूँ और दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना में किसी गंभीर बीमारी का शिकार अगर मैं हो जाऊं
तो मेरा परिवार तो वैसे ही बन गया। उस परिस्थिति में जिम्मेदार कौन होगा? सोशल सेक्रेटरी या तो जो भी इंडस्ट्री में जिसके बाहर तक आप काम करते हैं, आप 2 घंटे यहाँ पर काम करते हैं और 2 घंटे किसी और के यहाँ काम करते हैं, ये भी एक समस्या है। इसलिए जो आपका जिसको आप मालिक शब्द से तो मैं परहेज करता हूँ, मैं मालिक और मजदूर की भाषा से मानता हूँ। शांति भाई पटेल, प्रेम पटेल, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें फूल सिंह जी का योगदान तो है ही, मैं बता दूं ये फूलचंद जी का योगदान भी बहुत ज्यादा है। फूल स्क्वायर हो गया है आज, इन्होंने सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है। रघुनाथ कुलकर्णी जी का अभिनंदन फूलचंद जी वाले और उनके कार्यकर्ता करेंगे। मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत दिलीप पटेल जी आप कीजिए, आइए प्लीज। दिलीप पटेल जी आप उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच अली खान साहब बैठे हैं, आप कृपया मत कहिए अली खान साहब। और मैं चाहता हूं सुशील भाऊ अली खान जी का और हमारे दिल्ली के एक प्रोड्यूसर है सत्येंद्र त्यागी जी, आप भी कृपया मंच पे आए, आपको भी सम्मानित करना चाहते हैं हम। और इनका स्वागत फूलचंद जी आप कीजिए।